सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कुछ इस तरह से अपनी फोटो कैसे एडिट कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम अपने मोबाइल में पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करके ये वाला बैकग्राउंड ओपन कर लेंगे। उसके बाद गाइज, हम यहाँ पर ड्रा वाले टूल्स में जाएंगे। अब ड्रा वाले टूल्स में जाने के बाद गाइज, हम यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और गाइज, यहाँ पर आपको एक एम्प्टी लेयर दिखेगा। अब इतना करने के बाद गाइज, हम यहाँ पर ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे। अब गाइज, यहाँ से हम एक वॉल पीएनजी यहाँ पर ऐड करेंगे। इन सभी PNGs का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, अब इसे हमें बड़ा करके यहाँ पर अपने स्क्रीन में अच्छे से फिट कर लेना है। अब इतना करने के बाद गाइज, हम यहाँ लेयर पर क्लिक करेंगे और गाइज, यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके एक एम्प्टी लेयर यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब इतना ऐड करने के बाद गाइज़, हम यहाँ पर ऐड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और एक अपनी फ़ोटो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो गाइज़, मैंने अपने फ़ोटो का पहले से ही बैकग्राउंड इरेज कर रखा है, तो गाइज़ मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। अगर गाइज़ आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो गाइज़ डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दे दूँगा, जिस वीडियो को आप देख कर उस वीडियो को आप देख कर आप अपना बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। अब गाइज़, इस फ़ोटो को हमें यहाँ पर अच्छे से फिट कर लेना है अपने बैकग्राउंड के ऊपर। तो गाइज़ मैं इसे अच्छे से फिट कर लेता हूँ। अब इतना करने के बाद गाइज़, हम यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और गाइज़ यहाँ पर फिर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और एक एम्प्टी लेयर यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब गाइज़, इस लेयर को हम अपने पिक के नीचे ले आएंगे, मतलब कि इस लेयर के नीचे रखेंगे। यहाँ पर ऐसे रखना है जैसे मैं रख रहा हूँ। अब गाइज़, यहाँ पर ब्रश वाले आइकन पर क्लिक करना है और गाइज़, इसका साइज़ आप फुल इंक्रीज़ कर देना और इसकी कैपेसिटी ओपेसिटी जो है हम यहाँ पर 32% रख लेंगे और इसकी हार्डनेस जो है 1% कर देंगे। इसकी जूबाबिलिटी जो है इसको हम डिसेबल कर देंगे। अब इतना करने के बाद गाइज़, हम यहाँ पर शाडो क्रिएट करेंगे एक। तो गाइज़, जहाँ पर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो गाइज़, यहाँ पर हमें नीचे साइड यहाँ पर शाडो क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि गाइज़ ये ऐसी फेक लग रहा है। तो गाइज़, जब हम शाडो क्रिएट कर देते हैं ऐसे, तो गाइज़ ये एकदम रियलिटी लगने लगता है, कि इतने रियल लुक आ जाता है। तो गाइज़, इसलिए हमें शाडो बनाना पड़ता है। तो गाइज़, कुछ इस तरह से हम शाडो यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। सो गाइज़, अब ये हमारा हो गया अच्छे से। तो अब गाइज़, हम यहाँ पर फिर से एक एम्प्टी लेयर यहाँ पर ऐड करेंगे। तो गाइज़, अब यहाँ पर इसे यहाँ पर ही रहने देता हूँ मैं। अब गाइज़, हमें ऊपर यहाँ पर अपने यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर हमें ऐसे ब्लैक कलर का यहाँ पर शाडो बनानी है। अब इतना करने के बाद गाइज़, यहाँ पर ओपेसिटी जो है हम यहाँ पर 33% कर देंगे, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं यहाँ पर। अब इतना करने के बाद गाइज, हम इसे डन कर देंगे। अब डन करने के बाद गाइज, यहाँ हम किनारे साइड यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई PNG या। तो गाइज, यहाँ पर मैं एक कैमरा यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो उसके लिए हम ड्रा टूल्स में जाएंगे और यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद गाइज, हम यहाँ पर ऐड फोटो पर क्लिक करके स्टिकर वाले ऑप्शन में जाएंगे और अपना नेट यहाँ पर आप ऑन कर लेना। उसके बाद गाइज, यहाँ पर हम सर्च वाले टैब पर क्लिक करके यहाँ पर कैमरा यहाँ पर सर्च करेंगे। तो गाइज, मैं यहाँ पर एक कैमरा PNG यहाँ पर सर्च करके इस वाले को मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो गाइज, यहाँ पर मैं अच्छे से इसे नीचे तरफ यहाँ पर रख देता हूँ। आप यहाँ पर कोई हर्ट भी लगा सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर मैं कैमरा लगा रहा हूँ। अब गाइज, यहाँ पर एक एम्प्टी लेयर ऐड करके यहाँ पर भी हमें शाडो क्रिएट कर लिए हैं एक। तो गाइज, मैं यहाँ पर फटाक से अच्छे से शाडो क्रिएट कर लेता हूँ। अब गाइज, इसकी ओपेसिटी थोड़ा सा हम कम कर देंगे। अब इतना करने के बाद गाइज, हम इसे डन कर देंगे।
डन करने के बाद गाइज़ आपको यहाँ पर ऐड फोटो का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो गाइज़ हम इस पर क्लिक करेंगे और गाइज़ हम यहाँ पर एक लाइट पी एन जी यहाँ पर ऐड करेंगे। तो गाइज़ मैं यहाँ पर एक लाइट पी एन जी यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। अब गाइज़ हम यहाँ पर ब्लेंड वाले ऑप्शन में जाएंगे और स्क्रीन वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। तो अब इतना करने के बाद गाइस हम इस पिक को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद गाइस इस पिक को हम अपने लाइट रूम ऐप में ओपन करेंगे। तो गाइस हमने अपने मोबाइल में लाइट रूम ऐप ओपन कर लिया है। तो गाइस अब यहाँ हम प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और गाइस हम यहाँ पर एक प्रीसेट और एक अपनी फ़ोटो जो हमने अभी एडिट किया था उसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो गाइज़ इस प्रेसेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज़ ये हमारी फ़ोटो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है, तो अब गाइज़ यहाँ पर हम ओपन करेंगे। तो सबसे पहले गाइज़ हम यहाँ पर अपने प्रेसेट को ओपन करेंगे। प्रेसेट को ओपन करने के बाद गाइज़ हम यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कॉपी सेटिंग पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप इतना करने के बाद गाइज़ हम बैक हो जाएंगे। बैक हो जाने के बाद गाइज़ हम यहाँ पर अपने पिक को चूज़ करेंगे जो हमने अभी एडिट किया था। अब गाइज हम यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेस्ट सेटिंग पर क्लिक करके हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि हमारी पिक में कैसा लुक आ चुका है, कितना ऑसम लग रहा है। तो गाइज़ आप बिफोर आफ्टर देख सकते हैं। तो गाइज़ अब हमारी पिक यहाँ पर बन के तैयार हो चुकी है। अगर आप अभी भी कुछ कर ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर गाइज़ आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए गाइज़ फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।